मालेगांव शहर में एक फेमस यूट्यूबर पर हुई फायरिंग, मालेगांव नानगांव रोड पर हुई फायरिंग। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल आज का सामना न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कलीम शेख। फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम रील वीडियो क्रिएटर यासर पर हुई फायरिंग। यासर अपने होम टाउन औरंगाबाद से सूरत जा रहे थे और इसी बीच नानगांव रोड पर देर रात 1 से 2 बजे के बीच हमलावरों ने फेमस यूट्यूबर यासर पर फायरिंग कर दी। यासर एक जाने माने यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। दो अननोन पर्सन ने उनकी कार पर फायरिंग की और फायरिंग की वजह अब तक मालूम नहीं हुई है, लेकिन मालेगांव शहर तालुका पुलिस स्टेशन में यासर भाई ने इसकी FIR दर्ज करवाई है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और कितने दिनों में या कितने टाइम में पुलिस हमलावरों को पकड़ती है। ये एक बड़ा सवाल मालेगांव तालुका पुलिस पर खड़ा होता है और इसी के चलते यासर भाई से हमारी भी टीम ने मुलाकात की और इस पूरे मामले में यासर भाई ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। नांदगांव से मालेगांव का रास्ता है, क्योंकि बीच पे हमको दो लोग ने फॉलो किया और रास्ते में चलते जैसे अक्सर फ़ैन आते हैं मुझे रुकाने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए, तो हमको लगा था ये वैसे ही कोई फ़ैन होगा जो हमको रुका रहा है बोल के। तो हमने इसका जब उसके हाथ में गन देखा, जब हमको क्लिक हुआ है कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, तो हमने गाड़ी के जैसे स्पीड बढ़ाया वैसे उन्हें फायर कर दिया। और उसने फायर करने के बाद थोड़ा सा हमारा गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद उन्हें लगातार करता रहा पर फायर नहीं हुआ वहाँ पर। उसके बाद में उसने पुल बैक किया गन को, उसके बाद में इतनी देर में हम निकल गए वहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद हम शाहरुख भाई के पास आए, यहाँ से थोड़े बहुत और दोस्त लोग मिले जिन्होंने बोले कंप्लेंट करना ज़रूरी है, कंप्लेंट करें हमने जाके, और कंप्लेंट कॉपी आपको मैंने जस्ट बताया ना। जो किन्नर साइड का जो डोर आता है ना, तो वहाँ पे गोली लगी डोर के थोड़ा सा नीचे साइड में, जिससे कांच भी फूटी है। और जब कांच फूटी थी तो पूरा गैस उस कांच का अंदर आ गया था और पूरी कांच के टुकड़े आग पे थे मेरे वो टाइम पे। पुलिस ने सबसे पहली बात तो अच्छा कोऑपरेट किया हमको वहाँ पे, और हमने ये शिकायत की कि हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे और बीच में हम पे हमला हुआ, फायर वगैरह जो भी है, तो फिर उन्होंने साथ में गए हमारे, वहाँ से उनको एक बुलेट मिली है जो बाज़ाब्ता सही वो थी ना, दो बुलेट थी, एक केस था और एक अखी बुलेट थी एकदम साबित वाली। और बस बाद में फिर दूसरा जो सेकंड पार्ट था गन का जो फायर हुआ था वो डोर के अंदर से पुलिस ने निकाला। देन हमारे को वही कंप्लेन पे क्या क्या जो आपने कलम देखे आपको रिसीट कॉपी में आपको दिखाया, मैं भी ऐसा बोल नहीं सकता हूँ मैं, बट मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। पर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, हर जगह प्यार मिला मुझे, कोई सिटी में कोई भी जगह पर ऐसा ये हरकत तो नहीं हुई मेरे साथ कभी भी, ना कोई धमकी भी आज तक नहीं आई।